हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनी सुबह। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लिए फिर से एक न्यू वैकेंसी के बारे में वीडियो लेकर आया। तो ये वैकेंसी कौन सी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, DRDO जो कि आपके भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में से एक है, जिसको देखिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपके न्यू वैकेंसी आई हुई है और वो आपके साइंटिस्ट और भी कई पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे और इसकी आपके क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इसका ये एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है DRDO की तरफ से, इसमें आपके क्या क्या दिया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, वो सभी फ्रेंड्स इसमें आपके दिया हुआ है। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये भी पूरी तरह से बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आप इस तरह की न्यू वैकेंसी अपडेट्स पाना चाहते हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उनका लाभ सबसे पहले उठा सके। तो आइए फ्रेंड, हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा, फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और इसका फुल अपडेट आया हुआ है जो कि इस वेबसाइट पर आपके दिया हुआ है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें क्या आया है। देखिए, DRDO में नौकरी का मौका, सैलरी 80,000 रुपये महीना, यानी आपके इसमें 80,000 रुपये तक भी इसकी सैलरी रह सकती है। तो देखिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल फीस 100 रुपीज, SC ST PWD कैटेगरी और महिलाओं के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। यानी फ्रेंड्स, इसमें पुरुष कैंडिडेट नॉन रिफंडेबल के लिए फीस है जो कि 100 रुपीज फीस रखी गई है और SC ST की PWD के लिए बिल्कुल एप्लीकेशन फीस फ्री है। और देखते हैं इसमें क्या है। DRDO रिकमेंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेजुएशन इंजीनियर्स और साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए साइंटिस्ट पद के लिए वैकेंसी निकाली है। इस पद के लिए फाइनल ईयर का एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन https.rac.gov.in के जरिए अप्लाई करना होगा। या फ्रेंड्स, आपको अप्लाई कराना है तो आप rac.gov.in पर जाकर इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा, तो फ्रेंड आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के मुताबिक पे मैट्रिक्स 56,100 रुपीज मिलेगा। या फ्रेंड्स, आपको 56,100 रुपये पर मंथ आपके इसमें मिलेंगे। और देखिए, लेकिन HRA और बाकी भत्ते मिलाकर कुल मेहनत नामा 80,000 रुपये महीना मिलेगा। या फ्रेंड्स, और बाकी ये आपको कमीशन मिला के टोटल आपके 80,000 रुपये महीना इसका आपको मिलेगा। और देखिए, साइंटिस्ट पद के लिए कुल 290 वैकेंसी है। इस पद के लिए रिक्रूटमेंट वैलिड GAT स्कोर के आधार पर होगा, साथ ही वर्तनात्मक परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। या फ्रेंड्स, इसमें 290 वैकेंसी है और देखिए गेट स्कोर के आधार पर इसमें आपके वैकेंसी की जाएगी। और देखिए, इसका आपके लिए एक इंटरव्यू भी होगा। और देख लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि क्या दी हुई है। इसमें पोस्ट कौन सी है, तो देखिए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की इसमें पोस्ट है। और देखिए, लोकेशन की मैं बात करूं तो आपके इंडिया में आपके कहीं पर भी हो सकती है। और देखिए, क्वालिफिकेशन जो कि बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इसमें आप अप्लाई करवा सकते हैं। और देखिए, अप्लीकेशन प्रोसीडियर जो कि आप अप्लाई ऑनलाइन ही करवा सकते हैं, ऑफलाइन आप इसमें नहीं करवा सकते हैं। और देखिए, इवेंट स्टार्टिंग डेट, यानी कि आपके इसमें जो अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है जो 3 अगस्त से शुरू हो गई है। और देखिए, क्लोजिंग डेट है जो कि 24 अगस्त आपके रखी गई है, तो इससे बीच में आप इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं इसका जो कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कितने पद किस पोस्ट के लिए है, तो आप इसे देखते रहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी है, क्लास बैचलर डिग्री ये आपको होनी चाहिए। और देखिए, मैकेनिक इंजीनियरिंग से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कम फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो, मान्य गेट स्कोर हो, IIT या NIT से डिग्री में 80% नंबर हो, तभी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल जो देख सकते हैं आप। साइंटिस्ट बी इन DRDO के लिए आपकी वैकेंसी टोटल 270 वैकेंसी और क्वालिफिकेशन जो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन, यानी कि बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो, आप इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। और दी एज लिमिट जो कि 28 ईयर से 35 ईयर इसमें रखी गई है, यानी कि 28 ईयर और 35 ईयर के बीच वाला आप इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। और देखिए, लेवल 10th जिसमें देखिए आपके इसमें 56,100 रुपीज मैट्रिक्स आपकी सैलरी होने वाली है। और देखिए, साइंटिस्ट बी इन DST
इसमें टोटल 6 वैकेंसी है और बैचलर डिग्री बाकी सेम ही है इसमें, 56,100 रुपये। और देखिए सेकेंड थर्ड है जो कि देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन ए डी ए बेंगलुरु, इसमें देखिए टोटल 10 वैकेंसी है जो बैचलर डिग्री, और इसमें भी आपके सैलरी सभी सेम ही है और इसमें वैकेंसी है जो कि आपके टोटल 10 है। और देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इन जी ए टी हैदराबाद, जिसमें आपके 4 वैकेंसी ही दी हुई है और 28,35,000 और 56,100 रुपये इसमें रखे गए। और देखिए आपको इस वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर इसे देख लीजिए। तो मैंने यहां से इसका नोटिफिकेशन ले रखा है, तो यहां पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, इसमें भी सेम ही पूरा प्रोसेस बताया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि अप्लाई का इसमें थोड़ा बताया हुआ है, वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ आप इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए हाउ टू अप्लाई, तो देखिए फर्स्ट में आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, rac.gourmet.in पर आपको सबसे पहले इसमें जाना होगा। और देखिए ऑन सक्सेसफुल रजिस्टर इसमें करना होगा और बाद में लॉगिन इसमें करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल आपके इसमें 8 पॉइंट है, इसको आप फॉलो करते हुए इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको पहली वाली वेबसाइट में मिल जाएगा, तो उस वहां से आप इसे खोल सकते हैं और इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए, और फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के न्यू वैकेंसी अपडेट्स और इसके बारे में कोई अन्य अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसके लिए कोई सुझाव या फिर कोई शिकायत हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए।